सब्सक्राइब कीजिए टेक्निक ज्ञान चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 3D होलोग्राम के बारे में कि 3D होलोग्राम जो है क्या है और ये किस प्रकार से बन गया और इसका क्या क्या उपयोग होता है। तो आज हम इस वीडियो में इसी की चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 3D जो है वो क्या है, तो उसकी भी थोड़ी बहुत हम बात कर लें, जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाएंगे। तो 3D जो है वो तीन तरफ से दिखने वाली एक ऐसी तस्वीर होती है जो कि हम जैसे प्रोजेक्टर करके या फिर जो 3D मूवीज़ वगैरह देखते हैं या फिर 3D गेम वगैरह खेलते हैं, जो गूगल्स हैं 3D वो लगा कर भी हम खेलते हैं, तो हमें सब कुछ जो है उभर कर बाहर आकर दिखता है 3D के अंदर। लेकिन उसके लिए हमें जो है कुछ दूसरा डिवाइस को यूज़ करना पड़ता है, अलग से कोई गॉगल्स लगाने पड़ते हैं या फिर कुछ अलग डिवाइस का हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। और जो होलोग्राम टेक्नोलॉजी है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। होलोग्राम के बारे में तो आपको पता है, कोई भी जो प्रोजेक्ट है या फिर कोई भी सब्जेक्ट है उसको जो है बाहर निकाल कर दिखाना। लेकिन यहाँ पर जो 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी है उसकी बात हो रही है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं और इसका जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ हो रहा है आजकल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी है वो फिल्म इंडस्ट्रीज वाले ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं और नेता लोग हैं जो अपने प्रचार प्रसार के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिल्म वाले जो अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए वहाँ पर यूज़ लेते हैं। और जो 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी है वो एक आंखों को धोखा देने के बराबर है। उसमें आपको पता नहीं चल पाता है कि सामने जो बैठा है या फिर जो खड़ा है या फिर सामने जो हो रहा है वो रियल में है या फिर क्या है, जो भी है वो कुछ समझ में नहीं आता है। तो उसके अंदर होता क्या है कि जो इंसान आपको दिखाई दे रहा है 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी के द्वारा डिस्प्ले होके, वो कहीं दूर बैठा होता और वहाँ पर लगे हुए कुछ 3D कैमरे और वो उसको रिकॉर्ड करके जो है आपके सामने 3D होलोग्राम यानी सेम टू सेम उसी के जैसी एक आकृति बना देता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि ये असल में है या फिर नकली है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता है। लाइट के द्वारा ये सब हो जाता है और एक प्रोजेक्टर ये काम करता है। प्रोजेक्टर के बिना तो ये काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि प्रोजेक्टर ही एक ऐसी चीज़ है जो वीडियो को या फिर लाइट्स को जो है बाहर निकाल कर प्रदर्शित करती है, शो करती है। तो उसी हिसाब से जो उसके साथ में होलोग्राम टेक्नोलॉजी को भी ऐड कर दिया और दोनों मिलकर 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी बनाते हैं। या फिर कोई प्रोजेक्ट अगर फिल्म में चल रहा है तो उसके वो भी जो है एक बड़े से 3D होलोग्राम के द्वारा दिखाया जाता है। उसमें माउंट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, काफ़ी सारे जो है अलग अलग चीज़ें जो है उसके अंदर 3D होलोग्राम करके दिखाई जाती है, जो कि हूबहू ऐसे लगता है कि वास्तव में यही असली है, लेकिन वो असली नहीं होते हैं, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए हैं। और ये टेक्नोलॉजी जो है हमें भविष्य में काफ़ी काम आने वाली है। हो सकता है ये टेक्नोलॉजी हमारे मोबाइल फ़ोन में भी आ जाए या फिर हो सकता है हमारे TV में आ जाए या फिर कोई नई डिवाइस सामने उभर के आए जिसके द्वारा इस टेक्नोलॉजी का जो है आमतौर से प्रयोग हो सके। लेकिन अभी नहीं कह पाऊंगा कि जल्दी ही जो है ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले अगर ये टेक्नोलॉजी ठीक से बन जाएगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे NASA है या फिर कोई मेडिकल साइंस है, उनमें यूज़ होने वाली है। मेडिकल साइंस में किस प्रकार से काम आएगी, ऑपरेशंस वगैरह हैं उनको हैंडल करने के लिए और काफ़ी सारे जो अलग अलग टेस्ट होते हैं MRI वगैरह उनको भी देखने के लिए मेडिकल साइंस में जो है लाभदायक हो सकती है। और जो बड़ी बड़ी साइंस कंपनियां हैं जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं उनके भी ये काम आ सकती है। या फिर एस्ट्रोनॉट्स वो बाहर जाते हैं पृथ्वी के सौरमंडल से निकल कर, उनको भी ये टेक्नोलॉजी जो है काम आ सकती है। तो उसके बाद पता चलेगा कि हमारे हाथ में जो है कब तक आएगी, तो इसके लिए काफ़ी वेट हमें करना पड़ेगा। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी जो है दुनिया में आ चुकी है और काफ़ी जगह पर इनकी टेस्टिंग हो रही है और काफ़ी कंपनियां जो है अलग अलग बनाने के ऊपर जोर दे रही है कि किस प्रकार से जो है इसको छोटा से छोटा कर दिया जाए, क्योंकि अभी जो ये टेक्नोलॉजी है काफ़ी बड़ी और काफ़ी भारी एक बॉक्स में समाई हुई है, लेकिन उसको छोटा करने के ऊपर कंपनियों ने जोर दे रखा है। जब वो छोटी हो जाएंगी या फिर मोबाइल में आने लायक हो जाएंगी उसके बाद जो है हम उसे यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, आपको समझ में आ गया होगा कि 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी क्या है और किस प्रकार से जो है काम करती है, और सब कुछ जो है आपको इस वीडियो में बताया गया तो उस हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे जो लाल बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अगला वीडियो आएगा या फिर उससे अगला वीडियो आएगा वो सब आप देख पाएं। और अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।